हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022-23 में जो हो रहा है साइंस का, इसका आंसर की बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों सटासट और फटाफट बताएंगे आंसर की। आप लोग सही सही मिला लीजिए, 100% आपको करेक्ट आंसर दिया जाएगा। हमारे चैनल पर सभी विषय का आंसर की मिलता है और हमारे चैनल पर सभी विषय का तैयारी भी कराया जाता है। दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, किस दर्पण से दूर वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है, सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दो नंबर देखिए क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक होता है। तीन नंबर देखेंगे दोस्तों, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दोस्तों, तीन नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उत्तल दर्पण। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, चार नंबर देखिए, बहुत स्टार क्वेश्चन है। चार नंबर, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, दाढ़ी बनवाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं पांच नंबर की ओर। पांच नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों, पांच नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही होगा, काल्पनिक होता है। छह नंबर देखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, प्रकाश के परावर्तन का नियम तो बी सही होगा, ऑप्शन नंबर दो यानी कि सही होगा। चलिए सात नंबर देखेंगे दोस्तों, कहाँ स्थित होने वाले वो प्रतिबिंब का अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। तो दोस्तों, छह नंबर, सात नंबर का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, दोस्तों ऑप्शन नंबर ये सात नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अनंत पर। क्या होगा? अनंत पर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, आठ नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। देखते हैं दोस्तों, आठ नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। नौ नंबर देखेंगे दोस्तों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो दोस्तों, नौ नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी आदि होता है। दस नंबर देखेंगे दोस्तों, गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन एवं ऋणात्मक होता है, अर्थात यह है क्या है, कैसा प्रतिबिंब है, इसको बताना है। तो 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है ना, सही होगा, उल्टा। आगे बढ़ेंगे 11 नंबर की ओर। दोस्तों, 11 नंबर है, किसी वाहन के पार्श्व पश्च में दृश्य दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर की ओर। 12 नंबर दोस्तों है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, फोकस दूरी। आगे बढ़ेंगे 13 नंबर की ओर। दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है। तो दोस्तों, 13 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? राइट ऑप्शन नंबर बी होगा, अवतल दर्पण। आगे अपवर्तन कोण, ठीक है दोस्तों। 14 नंबर देखेंगे दोस्तों, 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण का फोकस दूरी कितनी होती है। तो दोस्तों, इसको राइट सोल्यूशन करने पर आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी 16 सेंटीमीटर। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग पार कर सकता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पारभासी पदार्थ। देखेंगे 16 नंबर देखिए दोस्तों, 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा दोस्तों, ध्रुव, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 17 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 25 यानी कि सी सही होगा। 18 नंबर देखिए दोस्तों, अभिक्रिया इतना दिया हुआ है, कौन सा अपचयित होता है। तो दोस्तों, 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ZN। आगे बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण। 20 नंबर देखेंगे दोस्तों, 20 नंबर का यह अभिक्रिया को बताना है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीकरण। चलो देखते हैं 21 नंबर की, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सी कारक है। तो दोस्तों, 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, O2। आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन है, तो 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 22 नंबर का दोस्तों राइट आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर दोस्तों डी होगा, अपघटन। क्या होगा? अपघटन होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, 23 में आंसर बना गया है। 23 नंबर का सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया। 25 नंबर देखेंगे दोस्तों, 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ है, फोटोग्राफी यानी कि क्वेश्चन पढ़ लीजिए दोस्तों। 25 नंबर का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे 26 नंबर की ओर दोस्तों, 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी। आगे देखते हैं, बैटरी अम्ल होता है। तो दोस्तों,
27 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पहला ए। चलिए आगे देखते हैं 28 नंबर, इमली कौन सा अम्ल होता है? तो दोस्तों 28 का राइट आंसर होगा टार्टरिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर की ओर, 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा? डी होगा। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर की ओर, 30 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? बी होगा। 31 नंबर देखेंगे दोस्तों, 31 का ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा लाइम, लाइम जूस। आगे देखेंगे 32 नंबर की ओर दोस्तों, 32 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? 32 नंबर का बी होगा एंटाइड सीड। आगे देखेंगे 33 नंबर की ओर, चिप्स, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों नाइट्रोजन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 34 नंबर की ओर, 34 का करेक्ट आंसर लाल होगा। 35 देखेंगे दोस्तों, ट्रैकिया जीव किसका श्वसन है, अंग है? तो दोस्तों कॉकरोच का होगा, कॉकरोच का सी ऑप्शन सही होगा। देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन, 36 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर 4 होगा। देखेंगे 37 नंबर, तो 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 38 नंबर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? 38 का ए होगा, दिन में। आगे देखेंगे 38, 39 नंबर देखेंगे दोस्तों, 39 नंबर का बी होगा, ए होगा, सॉरी दोस्तों ए होगा, भीतरी। 40 नंबर देखेंगे दोस्तों, 40 का राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत, क्या होगा? 40 का छोटी आंत होगा। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर, 41 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे 42 नंबर, 42 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, 42 का है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, हरा। आगे देखेंगे 43 नंबर, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? तो दोस्तों ये छोटी याद हो जाएगा, राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, क्रमाकुंचक गति पाई जाती है? तो दोस्तों ये छोटी याद में पाई जाती है, छोटी याद में। आगे देखेंगे 46 नंबर की ओर, मनुष्य के बृहत तंत्र का भाग हो है जो संबंधित है? तो कौन सा है? तो दोस्तों 46 का ऑप्शन नंबर उत्सर्जन होगा, सी हो जाएगा। चलिए 47 नंबर देखेंगे, 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? बी, 0.03%। आगे देखेंगे 48 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिकक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो दोस्तों ये नेफ्रॉन हो जाएगा, क्या होगा? नेफ्रॉन होगा। और हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहे तो उसके लिए शुक्रिया दोस्तों, और हमारे चैनल पर सभी विषय का तैयारी कराया जाता है दोस्तों, सभी सब्जेक्ट का तैयारी यहाँ पर कराया जाता है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करा लीजिए, और 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, 2023 में एग्जाम देने वाले हैं, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है? फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक्स। अगले